गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेसन 5 एब्रीविएशंस मींस संक्षिप्त रूप, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट कट के नाम से भी जानते हैं। एब्रीविएशन संक्षिप्त रूप या शॉर्ट फॉर्म यानी किसी भी दिए गए बड़े नाम को या बड़े मीनिंग को संक्षिप्त रूप में लिखना, वही होता है हमारा एब्रिविएशन यानी संक्षिप्त रूप या शॉर्ट फॉर्म। आइए देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है राइट द एब्रिविएशंस यानी संक्षिप्त रूप लिखना है। फर्स्ट यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम का संक्षिप्त रूप क्या होगा? यूनाइटेड के लिए संक्षिप्त रूप यस, और किंगडम का हो जाएगा के। यूनाइटेड का यू और किंगडम का के, यही यूनाइटेड किंगडम का संक्षिप्त रूप यूके होगा। फिर नेक्स्ट है सेकंड, प्लीज टर्न ओवर, प्लीज टर्न ओवर का संक्षिप्त रूप प्लीज का पी, टर्न का टी और ओवर का ओ, जिसको हम शॉर्ट में पीटीओ भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है थर्ड, जनरल पोस्ट ऑफिस, जनरल पोस्ट ऑफिस का संक्षिप्त रूप क्या होगा? तो जनरल का जी और पोस्ट का पी और ऑफिस का ओ, यानी जनरल पोस्ट ऑफिस का संक्षिप्त रूप जीपीयू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है फोर, नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो नेशनल का हो जाएगा एन, डिफेंस का डी और एकेडमी का ए, जिसको हम एनडीए के नाम से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट फाइव है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर का एम और पार्लियामेंट का पी, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का संक्षिप्त रूप हो जाएगा एमपी, एमपी। फिर नेक्स्ट है सिक्स पॉइंट, इंटेलिजेंस क्यूटियंट, इसका संक्षिप्त रूप इंटेलिजेंस का आई और क्यूटियंट का क्यू, यानी इसका संक्षिप्त रूप आई क्यू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट सेवन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का संक्षिप्त रूप यूनाइटेड का यू, स्टेट्स का एस और अमेरिका का ए, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का संक्षिप्त रूप यूएस से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, राइट द फुल फॉर्म ऑफ दिज एब्रीविएशंस, राइट द फुल फॉर्म ऑफ दिज एब्रीविएशंस, यानी यहाँ पे दिए गए संक्षिप्त रूप का फुल फॉर्म यानी विस्तृत रूप लिखना है, पूरा नाम लिखना है। अभी इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने संक्षिप्त रूप एब्रीविएशन, दिए गए फुल फॉर्म को हम लोग संक्षिप्त रूप यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमको संक्षिप्त रूप दिया हुआ है
इस संक्षिप्त रूप को फुल फॉर्म यानी विस्तृत रूप में उसका नाम लिखना है। तो आइए देखते हैं। नंबर फर्स्ट सीबीआई, सीबीआई ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको फुल फॉर्म में लिखना है। तो फुल फॉर्म सी से सेंट्रल, बी से ब्यूरो और आई से इन्वेस्टिगेशन, यानी सीबीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड है आई एस टी, आई एस टी, आई एस टी ये संक्षिप्त रूप है, इसको विस्तृत रूप यानी फुल फॉर्म में लिखना है। तो आई एस टी का फुल फॉर्म आई से इंडियन, यस से स्टैंडर्ड और टी से टाइम, यानी आई एस टी का फुल फॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड है आई ए एफ, आई ए एफ, तो आई से इंडियन, ए से एयर और एफ से फोर्स, यानी आई ए एफ का फुल फॉर्म इंडियन एयर फोर्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फोर पी सी, पी सी का फुल फॉर्म पी से पर्सनल और सी से कंप्यूटर, यानी पीसी का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फाइव आर बी आई, आर बी आई, आर बी आई का फुल फॉर्म रिजर्व, आर से रिजर्व, बी से बैंक और आई से इंडिया, यानी आर बी आई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सेवन एन बी टी, एन बी टी, तो इसका फुल फॉर्म एन से नेशनल, बी से बुक और टी से ट्रस्ट, यानी एन बी टी का फुल फॉर्म नेशनल बुक ट्रस्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है डब्ल्यू एच ओ, डब्ल्यू एच ओ, डब्ल्यू से वर्ल्ड, एच से हेल्थ और ओ से ऑर्गेनाइजेशंस, यानी डब्ल्यू एच ओ का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। यही है दिए गए संक्षिप्त रूप का विस्तृत रूप। इस प्रकार ये लेसन कंप्लीट होता है।